जम्मू कश्मीर शांति का जायजा लेने के लिए, उनका कहना है कि हाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो है कागज पे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो जो विदेशी डेलीगेशन वहाँ गया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उनको जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का दर्शन हुआ है। यही हमारी देश की ये खूबी है। तो लेकिन ये जो डेलीगेशन है, उसने जो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर है, वहाँ जाकर भी एक बार डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ के किसानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। HD कुमार स्वामी है, वो आरोप दिया गया है कि आप अगर राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे। नहीं नहीं, ठीक है, अब इस देश में कोई किसी को धमकी देगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। राम मंदिर के लिए कोई, मुझे नहीं लगता है कि धमकी देने की ज़रूरत है। जिसकी मर्जी है वो दे देगा। इस देश की जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन ये आंदोलन चंदा देने के लिए या मांगने के लिए नहीं किया था। अब जो चंदा मांग रहे हैं, उनको ये सवाल है हमारा हमेशा कि रामलला का जो अयोध्या में बैंक खाता खुला है, उसमें अब तक कितने पैसे जमा हुए पहले से, विदेश से कितने, उसका हिसाब जनता के सामने रखो। और ये जो चंदा वाला कार्यक्रम चल रहा है, वो किसके आशीर्वाद से चल रहा है? हम तो चंदा देंगे। हमारे जैसे लोग हम आंदोलन में भी सक्रिय थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन इस देश में जो चंदा के मामले में राम मंदिर के नाम पर जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, वो राम लल्ला के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है।